हेलो फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे इस वंडर गैस टॉर्च के बारे में। यह जॉनसन टूल्स का एक प्रोडक्ट है। इसे मैंने अमेजन से परचेज किया था। ये प्रोडक्ट मुझे डैमेज कंडीशन में मिला। इसका नॉब टूट गया था। मैंने फेविक्विक से चिपका लिया है। अब जानेंगे कि इसका उपयोग क्या है। इसके सबसे ज़्यादा उपयोग ज्वेलरी शॉप में होता है। इसके अलावा इसका उपयोग रेस्तरा या घर में भोजन पकाने में, आउटडोर पिकनिक में, हल्के धातु के सोल्डिंग में, बारबेकस और आग जलाने में या अन्य हीटिंग कार्यों में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करें इसके बनावट की, तो यह पूरी तरह ब्रास का बना हुआ है। इससे नॉब को घुमाकर चालू या बंद किया जा सकता है। ये फ्लेम को लंबा या छोटा करने के लिए है। यहाँ से हम फ्लेम को मोटा या पतला कर सकते हैं। यहाँ नीचे से गैस को भरा जाता है। ये विदाउट गैस आता है, गैस अपने पास भराना पड़ता है। सिगरेट लाइटर की तरह इसमें भी आसानी से गैस भर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसमें गैस भरते हैं, फिर इसे जलाकर टेस्ट करेंगे। गैस भरने के लिए सबसे पहले हम इसे उल्टा कर लेंगे और गैस सिलेंडर के नोजल को इसके नोजल के साथ अटैच करके लगभग 10 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखेंगे, कुछ इस प्रकार। तो अब इसमें पूरी तरह से गैस भर चुका है। इसे जलाने के लिए माचिस या लाइटर की ज़रूरत पड़ती है। इसका एक और वर्जन आता है जो ऑटोमेटिक होता है, जिसमें इग्निशन सिस्टम लगा रहता है, किंतु ये बेसिक मॉडल है, इसलिए इसको जलाने के लिए हमें माचिस या लाइटर की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम माचिस को जलाकर इसके फ्लेम के आगे रखेंगे, फिर धीरे से नॉब को खोलेंगे। इस प्रकार ये हमारा टॉर्च जल चुका है, किंतु लाइट के कारण दिख नहीं रहा है। हम लाइट को ऑफ करके अंधेरे में इसके फ्लेम को देखेंगे। ये इस प्रकार इसके फ्लेम को लंबा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ से फ्लेम को चौड़ा या पतला कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अगर आपको यह टॉर्च परचेज करना है तो इसका परचेज लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।